पद्म विभूषण रतन टाटा नहीं रहे, दादी ने परवरिश की बारिश में भीगते परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार बनाई। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 साल के थे। दो दिन पहले मीडिया में उनके बीमार होने की खबर आई थी। हालांकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं। पर्सनल प्रोफाइल, माता पिता बचपन में अलग हो गए थे, दादी ने उनकी परवरिश की। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वे पारसी धर्म से हैं। उनकी माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो US में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फ़ोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया। वे यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी हो गई। रतन टाटा बुक लवर थे। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वे अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और ज़रूरी बात ही करते थे। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन चाइकोवस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसीलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूं। वर्क प्रोफाइल, 21 साल चेयरमैन रहे, टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ा। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में GRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 75 वर्ष होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जगवार, लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया।